पूछते हैं इन्वेस्टमेंट ईपीएफ में करना चाहिए, पीपीएफ में करना चाहिए, क्या करे या बैंक में रखना चाहिए, तो इसके बारे में आज थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। ईपीएफ इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी में 20 या 20 के ऊपर कर्मचारी यदि है तो गवर्नमेंट ने वो कंपनी को ईपीएफ जो है वो कंपल्सरी किया हुआ है। 20 के मतलब 19 या 19 से कम यदि कर्मचारी की संख्या है तो ईपीएफ भरना जरूरी नहीं है। यदि 20 और 20 के ऊपर है तो वो कंपनी को कर्मचारियों का ईपीएफ भरना अनिवार्य है। ईपीएफ बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि समझो आपको 20,000 तनख्वाह मिल रही है तो क्या होगा, आपको 12% जो है वो आपके तनख्वाह में से आप भर सकते हैं, मतलब 2400 रुपये हो गए, और 12% आपका जो एम्प्लॉयर है वो भरेगा, मतलब 2400 भरेगा, तो 4800 रुपये आपका हर महीने में सिस्टमेटिकली ईयर आफ्टर ईयर जमा होते जा रहा है, मंथ आफ्टर मंथ जमा होते जा रहा है। 24% मतलब हर महीने में 12%, हर महीने में 12 और 12। मगर अभी 15,000 के ऊपर यदि सैलरी है, 15,000 के ऊपर सैलरी यदि है तो फिर एम्प्लॉयर को जरूरी नहीं कि उसने उसके ऊपर 12% देना करके। एम्प्लॉयर बोल सकता है कि मैं मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000 तक की सीमित रखूंगा, मतलब 1800 ही दूंगा, और कर्मचारी ने जितना भरना है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो भर सकता है। तो मतलब 20,000 तनख्वाह है तो एम्प्लॉयर जो है वो 1800 भरेगा, क्योंकि उसको 15,000 के ऊपर भरना नहीं है, उसको ज़्यादा देना नहीं है, तो वो 1800 रुपये भरेगा हर महीने के, और जो कर्मचारी है वो 2400 रुपये भर सकता है। 15,000 के नीचे तनख्वाह यदि है तो 12-12%, मतलब 12% जो है कर्मचारी का, 12% जो है वो एम्प्लॉयर का, ऐसा 24% आपका ईपीएफ में जाता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न है 8.1%, और वो कंपाउंडिंग होते जाता है। अब देखो जब आप रिटायर हो जाते हैं तो कितना बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, हर महीने में सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ा फायदा यह है कि चक्रवर्ती ब्याज मिलते जाता है। नंबर दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एकदम लमसम पैसा आपको मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। नुकसान ये है कि बीच में पैसा निकालते नहीं आता, उसके ऊपर आप कर्जा ले सकते हो, फिर उसके ऊपर कर्जा जब लेंगे तो और ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अब जो लोग एम्प्लॉय नहीं है या जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, एम्प्लॉय नहीं है, या 19 के नीचे कर्मचारी है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने प्रोविडेंट फंड भरना चाहिए, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आप जो पैसा 1.5 लाख तक का डालते हो तो वो टैक्स फ्री है, मतलब आपके टैक्स से उसका मुआवजा मिल जाएगा, और वो कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड टैक्स फ्री मिलता है, मतलब टैक्स फ्री अमाउंट है 1.5 लाख का, इसलिए लोग डालते रहते हैं उसमें, और उसमें 7.1% एनुअली आपको ब्याज मिलता है, वो भी कंपाउंडिंग होता रहता है, 15 साल के लिए रहता है। तो आप जब डालते हो उसमें पैसा हर महीने, हर साल में मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख की जो लिमिट है उसके ऊपर 7.1% आपको ब्याज मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज है, और आपको वो भी जब आप पैसा निकालेंगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और आपको चाहिए तो बीच में आप उसके ऊपर कर्जा ले सकते हैं, 15 साल के बाद में आप और 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, 5-5 साल ऐसा, और लोग इसका फ़ायदा उठाते रहते हैं क्योंकि टैक्स बचता है नंबर एक, और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपन जल्दी निकालते नहीं है, निकालना पॉसिबल नहीं होता है, जल्दी फटाक से निकाल लिया, ऐसा इमोशनल होकर निकाल लिया, इम्पल्सली निकाल लिया, ऐसा भी नहीं होता है, और फिर एक बार वो टाइम निकल गया तो हम बोलते ठीक है बाद में निकालेंगे, या जो भी है पैसा हम बचाते रहते हैं, और बाद में फिर लमसम मिलता है, इसका एडवांटेज है, सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में पैसा है और एकदम 100% पैसा सिक्योर है। तो हर आदमी में ईपीएफ और पीपीएफ में डालना चाहिए। ईपीएफ और पीपीएफ में दोनों में भी आप डाल सकते हैं, यदि आप कर्मचारी है तो आप दोनों का भी फायदा उठा लो, और आपका इन्वेस्टमेंट बिना टैक्स का करते रहो। थैंक यू वेरी मच।